तो देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने प्रभावी परमाणु क्रमांक संख्या और 18 इलेक्ट्रॉन रूल उसको ख़त्म कर लिया था। इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था, कीलेट पढ़ा था, कीलेट और कीलेटीकरण पढ़ा था, ठीक है, चिलेट और चिलेशन। फिर उसको अच्छे से समझ लिया था, तीन फैक्टर पढ़े थे उसके अपन ने, कि उसके स्थायित्व को, जो कीलेट होते हैं उनका स्थायित्व ज़्यादा होता है सामान्य संकुलों से, उसके तीन रीजन अपन ने पढ़ लिए थे। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, संकुली यौगिकों में समावयवता। तो एडिंग डालोगे आप, अब आप एडिंग डालोगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है भाई, संकुल यौगिकों में समावयवता। संकुल यौगिकों में समावयवता, तो देखो भाई ये समावयवता क्या होती है, बताओ समावयवता क्या होती है। तो आपने पढ़ रखा है कि जब दो या दो से अधिक अणु या परमाणु जिनका अणुसूत्र तो क्या हो, समान हो, या फिर दो या दो से अधिक यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान हो, ठीक है, लेकिन जिनका संरचनात्मक सूत्र या फिर जिनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या हों, अलग अलग हों, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के समावयवी कहलाएंगे, आइसोमर कहलाएंगे, और इस फिनोमिना को क्या कहते हो, क्या कहते हो, समावयवता इसको अपन कहते हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखना। दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो लेकिन संरचनात्मक सूत्र, भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण क्या हो, भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं, तथा इस परिघटना को क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। एक बार डेफिनेशन लिख लो, आप लिख लो, फिर इसके टाइप पढ़ते हैं अपन। लिखो, दो या दो से अधिक यौगिक, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो, जिनके अणुसूत्र तो समान हो लेकिन लेकिन जिनके लेकिन जिनके भौतिक लेकिन जिनके जिन सॉरी जिनकी संरचनात्मक सूत्र लेकिन जिनके संरचनात्मक सूत्र कोमा भौतिक गुण व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो, संरचनात्मक सूत्र भौतिक गुण व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते हैं, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, तथा इस परिघटना को, तथा इस परिघटना को समावयवता कहते हैं, ठीक है भाई, समावयवता कहते हैं। अब जो आइसोमेरिज्म है, लिख लो संकुल यौगिकों में, नेक्स्ट लाइन लिखो, ऐसे करके लिखो संकुल यौगिकों में समावयवता, ये तो अपने लिखी हुई है, ठीक है, निम्न प्रकार की होती है संकुल यौगिकों में समावयवता, निम्न प्रकार की होती है, ऐसे करके लिखो, फिर मैं क्लासिफिकेशन लिख देता हूँ इसका, आइसोमेरिज्म समावयवता, दोनों में लिख देता हूँ भाई, ठीक है, दो टाइप की होती है ये, एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एक होती है आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दिख रहा है क्या, दिख रहा है भाई, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको बोलते हैं संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक समावयवता, इसको क्या कहते हो, त्रिविम समावयवता, क्या कहते हैं इसको, त्रिविम समावयवता, ठीक है, ठीक है भाई, वेरी गुड। इसके जो टाइप्स होते हैं वो सेवन टाइप्स होते हैं, इसके ध्यान रखना भाई, इसके टाइप होते हैं सेवन टाइप होते हैं, और ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में होती है ये दो टाइप की होती है, ठीक है, उधर आपको दिखेगा, दिख रहा है क्या, चलो यहाँ तक दिख रहा है, ये होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म,
इसको बोलते हैं प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता। और दूसरी होती है आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में इसको आप बोलते हो ज्यामिति समावयवता। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में होती है, ये भी दो टाइप की होती है, सिस एंड ट्रांस, सिस एंड ट्रांस। अगर आप शुद्धिंदी में कहना चाहो इसको कहते हो समपक्ष, शुद्धिंदी में इसको कहते हैं समपक्ष, इसको क्या कहते हैं विपक्ष, क्या कहते हैं विपक्ष। बैठा दिमाग में बैठा, बहुत बढ़िया भाई। अब ये जो आपकी होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में सेवन टाइप की होती है, ठीक है, कौन कौन सी, बॉन्डिंग आइसोमेरिज में, हाइड्रेट आइसोमेरिज में, आयनाइजेशन आइसोमेरिज में, लिगेंड आइसोमेरिज में, बॉन्डिंग आइसोमेरिज हो ही गया, लिगेंड पोजीशन आइसोमेरिज में, पोजीशन आइसोमेरिज में, बहुत सारी होती है। ठीक है, तो मैं इसका क्लासिफिकेशन आपको लिख देता हूँ, लिखना आयनाइजेशन आइसोमेरिज में, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज में आयनन समावयवता होता, ठीक है। दूसरी आपने बोली हाइड्रेट समावयवता होता, दूसरी कौन सी होती है, हाइड्रेट समावयवता होता, हाइड्रेट आइसोमेरेज में, इसको हाइड्रेट ही बोलते हैं। ठीक है, तीसरी आपकी होती है लिंकेज आइसोमेरेज में, लिंकेज आइसोमेरेज में बंधन समावयवता होता, एक होती है लिगेंड आइसोमेरिज में, कौन सी होती है लिगेंड समावयवता। ठीक भाई, लिगेंड समावयवता, अगली होती है कौन सी, उपसंयोजन समावयवता, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज में, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज में उपसंयोजन उपसंयोजन समावयवता। छठवीं होती है आपकी लिगेंड पोजीशन आइसोमेरिज में, अगली आपकी होती है सॉरी कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज में, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज में, मतलब क्या है इसका, उपसंयोजन स्थिति समावयवता, उपसंयोजन स्थिति समावयवता। सातवीं कौन सी होगी बताओ, बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन आइसोमेरेज में, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरेज में बहुलकीकरण, बहुलकीकरण समावयवता। ये टाइप्स होते हैं, तो आप इस पिक्टोरियल को एक बार अच्छे से बना लो, तब तक मैं मार्कर को इंक जो है वो पिला लेता हूँ, याद कर लो एक बार इसको देख के, तुरंत प्रभाव से भी याद हो जाना चाहिए भाई आपको। आइसोमेरेज में कितने टाइप के होते हैं मेरे साथ बोलो, जय श्री राम बोलो।
जय श्री राम। बोलो आई समझ में, कितने टाइप की? दो टाइप की। स्ट्रक्चरल स्टीरियो। स्टीरियो दो टाइप की, कौन सी? ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल दो टाइप की, सिस ट्रांस। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ स्ट्रक्चरल में, ठीक है? समझाता हूँ मैं। कितने टाइप की? सेवन टाइप की। पहला आयनाइजेशन, दूसरा बोलो दूसरा कौन सा? हाइड्रेट। तीसरा लिंकेज। चौथा पोजीशन, सॉरी कोऑर्डिनेशन। पांचवा कोऑर्डिनेशन पोजीशन। छठवा, छठा आपका लिगेंड आइसोमेरेज में। सातवा आपका पॉलीमराइजेशन आइसोमेरेज, ठीक है? ये हो गया आपके सेवन टाइप्स, इनके हो गए। अब तो सबसे पहले अपन कौन से पढ़ेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज में पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट सेवन टाइप पढ़ने के बाद में स्टीरियो आइसोमेरेज में पढ़ेंगे, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज में सिस्टांस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में ऑप्टिकल आइसोमेरेज में पढ़ेंगे, तब जाके आपके ये आइसोमेरेज में ये खत्म होगी, ठीक? इसके बाद में अपन पढ़ेंगे VVT, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। इससे आगे यदि CFT वो अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट BSc थर्ड ईयर में, उसको पढ़ते हैं भाई, ठीक है? तो इस फोटो को आप बना लो अच्छे से, और फिर आप हेडिंग डाल दोगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज में। क्या डाल दोगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज में, ठीक है भाई? हेडिंग डाल दो आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज में। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रक्चरल संरचनात्मक समावयवी, मतलब क्या हो? जिनके संरचनात्मक सूत्र क्या हो? भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज में आइसोमर कहलाते हैं, ठीक है? डेफिनेशन लिख लो आप, लिख लो, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो लेकिन लेकिन संरचनात्मक सूत्र भिन्न हो, संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं? संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं, संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं, तथा इस परिघटना को संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। इस परिघटना को संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। यह निम्न प्रकार की होती है। पहला आप लिखोगे आयनाइजेशन आइसोमेरेज में, आयोनाइजेशन आइसोमेरेज में आयनन समावयवता, देखो ये क्या होती है आयन समावयवता। आयन समावयवता से मतलब ये है कि यहाँ पे जो आयन्स होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। आपके पास कोई एक लिगेंड होगा जो कि चार्ज लिगेंड होगा, आवेशित लिगेंड होगा, जैसे वो लिगेंड ऋणावेशित लिगेंड हो सकता है, धनावेशित लिगेंड हो सकता है। तो अगर बाहर कोई आयन हो, ऋणावेशित आयन हो, तो वो उस आयन से क्या हो सकता है? एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है? आयन का क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा कि से लिगेंड से। चार्ज बैलेंस रहेगा, सब कुछ बैलेंस रहेगा, बस आयन का एक्सचेंज हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं अपन? आयनाइजेशन आइसोमेरेज में अपन कहते हैं, ठीक है? लिख लो, मेरे डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं एग्जाम्पल से करवा देता हूँ। लिखना यह समावयवता उन यौगिकों में पाई जाती है जिनमें लिगेंड तथा यह समावयवता उन यौगिकों में पाई जाती है जिनमें लिगेंड तथा सामान्य आयन के मध्य, जिनमें लिगेंड तथा सामान्य आयन के मध्य आदान प्रदान संभव होता है, ठीक है? आदान प्रदान संभव होता है। नेक्स्ट लाइन लिखना, इस प्रकार की अदल बदल से दो या अधिक, इस प्रकार की अदल बदल से दो या अधिक प्रकार के यौगिक बन जाते हैं, दो या अधिक प्रकार के यौगिक बन जाते हैं जिनके गुणों में भिन्नता पाई जाती है, जिनके गुणों में भिन्नता पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, देखो
ये आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे दाँत हो गया, ऑप्शन ऑप्शन निकालो कितनी आएगी, प्लस थ्री आएगी, माइनस वन और माइनस टू उधर जाएगा तो प्लस थ्री हो जाएगा, तो मेटल ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है, प्लस थ्री। हो क्या रहा है, ये एक आयनाइजिंग लिगेंड है, आयन है मतलब SO4 टू माइनस, और यहाँ पे Br माइनस है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, कोबाल्ट SO4 NH3 का 5 Br, बस ये लो, यहाँ भी प्लस थ्री है, क्या है, प्लस थ्री है, माइनस टू माइनस वन इज इक्वल टू प्लस थ्री, बस। तो ये क्या है, आयनाइजिंग आइसोमेरेज में, आयनाइजेशन आइसोमेरेज में, इसमें क्या हो रहा है, जो आयंस लिगेंड होते हैं, जो लिगेंड आयनाइजिंग होते हैं, उनका आपस में क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल साहब देखो इसका, ठीक है भाई, ओके, ये हो गया, ये लो भाई Br तो अंदर चला गया, Cl2 बाहर आ गया, तो ये क्या हो गए, आयनाइजेशन आइसोमेरेज में ये हो गई है, समझ में आ गया, वेरी गुड। सेकंड आप लिखोगे हाइड्रेट आइसोमेरेज में, हाइड्रेट आइसोमेरेज में, अब ध्यान रखना भाई, इसको हाइड्रेट समाज तो कहते हैं, हाइड्रेट मतलब होता है पानी का अणु, क्या बोलते हैं, पानी का अणु, ठीक है, तो आप लिख सकते, इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरेज में, ठीक है, इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरेज में, अठा दिमाग में, ये एक विशेष प्रकार की आयनन समायोजकता का ही विशेष रूप है, ठीक है, ये भी एक प्रकार की आयनन समावयवता का ही रूप है, जो आपके हाइड्रेट समावयवता है, ये क्या है, एक प्रकार की आयनन समावयवता का ही रूप है, आयनन समावयवता में आयन्स एक्सचेंज हो रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रेट पानी के अणु एक्सचेंज हो जाएंगे लिगेंड से, अगर पानी के अणु अंदर है तो वो बाहर चले जाएंगे और बाहर वाले अंदर आ जाएंगे, बस यही होगा इसमें और कुछ नहीं होगा, समझ में आ गया, तो लिख लो इसमें कुछ नहीं होगा, जहाँ पे आप ये लिगेंड एक्सचेंज कर रहे थे ना, यहाँ भी लिगेंड एक्सचेंज हो जाएंगे, यहाँ पे पानी के अणु एक्सचेंज हो जाएंगे, एच टू वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज हो जाएंगे, लिखना, यह आयनन समावयवता का ही एक विशेष प्रकार माना जाता है, यह आयनन समावयवता का ही एक विशेष प्रकार माना जाता है, यह आयनन समावयवता का ही एक विशेष प्रकार माना जाता है, जिसमें संकुल आयन के अंदर व बाहर, जिसमें संकुल आयन के अंदर व बाहर जल अणुओं की स्थिति में परिवर्तन होने से समावयवी का निर्माण होता है, जिसमें संकुल आयन के अंदर व बाहर जल अणु की संख्या में परिवर्तन होने से, जल अणु की स्थिति में परिवर्तन होने से समावयवी का निर्माण होता है, अंदर व बाहर जल अणुओं की स्थिति में परिवर्तन होने से समावयवी का निर्माण होता है, फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, ये कोई आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है Cr H2O6+3, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो कोबाल्ट और क्रोमियम है वो प्लस थ्री ऑक्सीडन स्टेट में, अब क्या हो, यहाँ से ये भी हो सकता है कि क्रोमियम एक Cl अंदर आ जाए और एक H2O बाहर चला जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगी भाई, ध्यान रखना,
ऐसा भी तो हो सकता है दोषी एल अंदर आ जाए और दो पानी बाहर चले जाएं। अब इनके कलर अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना भाई, इनके कलर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जो पहला होता है उसका कलर होता है बैंगनी, वॉयलेट, दूसरे का होता है हल्का हरा, लाइट ग्रीन, तीसरे का होता है गहरा हरा, डार्क ग्रीन। तो कुछ नहीं हो रहा, देखो वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तीसरी होती है लिंकेज आइसोमेरिज्म, कौन सी होती है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। देखो कुछ नहीं है, आपने पढ़ रखा है, आपने पढ़ा था ना, जो एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं वो दोनों डोनर एटम से एक टाइम में किसी भी एक एटम से बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ भी होता है, जो लिंकेज आइसोमेरिज्म होगी ये उन्हीं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेज में पाई जाएगी जिनमें आपके एम्बिडेंटेड लिगेंड होंगे। आपकी लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड्स में पाई जाएगी, जिनमें क्या होगा, एम्बिडेंटेड लिगेंड होंगे। तो वो लिगेंड एक बार में दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं, लिंकेज कर सकते हैं, और दूसरी बार में दूसरे एटम के साथ लिंकेज कर सकते हैं। तो आराम से दो टाइप की क्या शो करेंगे, वो आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। तो अगला आप लिखने जा रहे हो लिंकेज आइसोमेरिज्म, तीसरा कौन सा होगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म बंधन समावयवता, ठीक है। बैठ रहा है क्या दिमाग में, कुछ नहीं है इनमें, इनमें कुछ भी नहीं है। अब जो बोला है उसको लिखवा देता हूँ, लिख लो लिख लो। इस प्रकार के समय होता है उन संकुलों में पाई जाती है जिनमें उभयदंतु लिगेंड होते हैं। बोलो, इस प्रकार के समय होता उन संकुलों में पाई जाती है जिनमें उभय दंतुक लिगेंड होते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं। इस प्रकार के समय होता उन संकुलों में पाई जाती है जिनमें उभय दंतुक लिगेंड होते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखना, देखना, इन लिगेंडों में दो दत्त प्रवण होते हैं, इन लिगेंडों में दो दत्त प्रवण होते हैं, परंतु एक समय में एक ही दाता परमाणु बंध बनाने में प्रयुक्त होता है। इन लिगेंडों में दो दाता परमाणु होते हैं परंतु एक समय में एक ही दाता परमाणु बंध बनाने में प्रयुक्त होता है, तथा इस परमाणु के परिवर्तन से नया समावयवी उत्पन्न हो जाता है, नया समावयवी उत्पन्न हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल CO, CN, NH3 का 5, Cl2। ये हो गया, यहाँ पे कौन से एटम से बॉन्डेड है, क्लोकार्बन से। दूसरा आप लिख सकते हो ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप लिखो, ये लो भाई, बस खुश। यहाँ पे कार्बन से, यहाँ नाइट्रोजन से, यहाँ नाइट्रोजन से, यहाँ ऑक्सीजन से, बैठा दिमाग में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। चौथा लिखो
लिगेंड आइसोमेरेज में, कौन सा लिखोगे? लिगेंड आइसोमेरेज में लिख लो भाई, जो लिगेंड स्वयं संरचनात्मक संरचना प्रदर्शित करते हैं, जो लिगेंड स्वयं संरचनात्मक क्षमता प्रदर्शित करते हैं, मतलब उनकी पोजीशन चेंज करने से उनके संरचना में चेंज आ जाता है, ठीक है ना? जैसे एथिलीन डाइएमिन, एथिलीन ट्राइएमिन, ऐसे जो लिगेंड स्वयं संरचनात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं वे संकुलों में इस प्रकार के समावयवता उत्पन्न करते हैं, वे संकुलों में इस प्रकार के समावयवता उत्पन्न करते हैं। चौथा कौन सा लिखोगे आप? लिगेंड आइसोमेरेज में। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, जो लिगेंड स्वयं संरचनात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं, जो लिगेंड स्वयं संरचनात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं वे संकुलों में इस प्रकार की समावयवता दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप लिखोगे 1,3-डाई-एमिनोप्रोपेन, 1,3-डाई-एमिनोप्रोपेन। तो प्रोपेन का है ना, CH2, CH2, ठीक है? 1,3-डाई-एमिनो NH2, NH2, CH2। समझ में आया क्या? एक तो ये हो गया लिगेंड। दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एन एस टू के यहाँ लग जाए, 1,2-डाई-एमिनो। इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, इसका सॉरी जो मोलिकुलर फॉर्मूला वो सेम है क्या? मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। तो अब लिगेंड भी क्या हो जाएंगे? डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है? तो ऐसा भी तो हो सकता है, ये 1,2-डाई-एमिनो प्रोपेन, ठीक है? तो ये दोनों क्या है एक दूसरे के? स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्योंकि ये लिगेंड इस प्रकार के आइसोमरेज में शो कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहोगे आप? लिगेंड आइसोमरेज में इसको आप कह दोगे, क्या कह दोगे? लिगेंड आइसोमरेज में आप इसको कह दोगे। समझ में आ गया? अरे बॉन्ड जब बनाएंगे, ये जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो देखो कुछ इस टाइप से बनाएगा ये, तो और ये क्या करेगा? देखो खुद देखो, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बन रही है, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बन रही है। आराम से देखो दोनों का जो बॉन्डिंग अरेंजमेंट है वो क्या डिफरेंट है, इसलिए इसको क्या कहोगे आप? क्या कहोगे इसको? लिगेंड आइसोमेरेज में आप इसको कहोगे, ठीक है? ठीक है भाई, गुड। अगला लिखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरेज में, 5वां लिखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरेज में। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरेज उपसंयोजन समावयवता, उपसंयोजन समावयवता कोऑर्डिनेशन आइसोमेरेज में, ठीक है? ठीक है भाई, बिल्कुल लीजिए, कुछ नहीं है। यहाँ पे जो आपके कोऑर्डिनेशन स्पेयर होंगे ना, वो खुद आइसोमेरेज में शो करेंगे। जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होंगे, समन्वय मंडल होंगे, वो क्यों क्या करेंगे? खुद आइसोमेरेज में शो करेंगे। लिखो लिखो, ऐसे यौगिक जिनमें
ऐसे यौगिक जिनमें धन आयन और ऋण आयन दोनों ही संकुल के रूप में होते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें धन आयन और ऋण आयन दोनों ही क्या होते हैं, संकुल के रूप में होते हैं। जैसे आपने पीछे पढ़ा है के फॉर एफिशियंसी पढ़ा है, वहाँ पर धन आयन पोटेशियम है, ऋण आयन क्या है, हेक्सोसाइन और फेरेट वाला कॉम्प्लेक्स है। अगर आपके पास धन आयन भी कॉम्प्लेक्स ही हो और ऋण आयन भी क्या हो, कॉम्प्लेक्स ही हो, तो वहाँ पे इस टाइप की आइसोमेरेज में आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे धन आयन ही कॉम्प्लेक्स और धन आयन ऋण आयन ही क्या हो, कॉम्प्लेक्स ही धन आयन और कॉम्प्लेक्स ही क्या हो, ऋण आयन हो, तो इस टाइप की आइसोमेरेज में आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो लिखना लिखना ऐसे यौगिक जिनमें धन आयन एवं ऋण आयन दोनों ही संकुल के रूप में होते हैं, इस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें धन आयन और ऋण आयन दोनों ही संकुल के रूप में होते हैं, इस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। आगे लिखना, यौगिक के दोनों संकुल आयनों में धातु आयनों व लिगेंडों का आदान प्रदान होने पर इस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये लो भाई, ये धन आयन है, ये ऋण आयन है, तो दोनों संकुलिक हैं, धन आयन संकुलिक है, ऋण आयन, तो ये क्या शो करेगा आपका, ये आपका शो करेगा देखो भाई, लिगेंड आपको ऐसा लग रहा है कि लिगेंड एक्सचेंज हो गए, कईयों को लग रहा है मेटल एक्सचेंज हो गई, लग रहा है क्या? ठीक है, ऐसा लिख दो आप, बस ऐसे लिख दो, मेटल और लिगेंड दोनों क्या हो रहे हैं यहाँ पे, एक्सचेंज हो रहे हैं। और देखोगे, और देख लो, और देख लो भाई, एटी एनएस 36 CL6 धन आयन और ऋण आयन दोनों क्या हैं, संकुल हैं, धन आयन और ऋण आयन दोनों क्या हैं, संकुल हैं। ठीक है, सॉरी 4-4 करो दोनों को, तो आप कर दोगे, ये लो भाई, आप तो सीधी सीधी बात याद रखना कि जहाँ पे कॉम्प्लेक्सी धन आयन और कॉम्प्लेक्सी क्या हो, ऋण आयन हो, संकुली धन आयन और संकुली क्या हो, ऋण आयन हो, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरेज में आपको देखने को मिलेगी, खुद देख लो। ठीक है, अगला लिखो, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरेज में, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरेज में उपसंयोजन स्थिति समावयवता, उपसंयोजन स्थिति समावयवता ठीक है भाई, यहाँ पे होगा क्या, पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्या होगा, पोजीशन चेंज हो जाएगी। लिखो, ये जो आइसोमेरेज में है ना, ये आपके ब्रिज जो कंपाउंड होता है ना, ब्रिज कंपाउंड, उनमें पाई जाएगी। लिखना, इस प्रकार की समावयवता बहुकेंद्रीय संकुल यौगिकों में पाई जाती है, बहुकेंद्रीय संकुल यौगिकों में पाई जाती है,
इसमें दोनों धातु परमाणुओं के साथ जुड़े हुए लिगेंडों की स्थिति परिवर्तित होने से समावयव बनते हैं। इसमें दोनों धातु परमाणुओं के साथ जुड़े हुए लिगेंडों की स्थिति परिवर्तन होने से समावयवी बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स है, ब्रिज कॉम्प्लेक्स है, होगा क्या? अगर ऐसा हो सकता है कि ये चारों NH3 एक तरफ हो जाएं, चारों Cl एक तरफ हो जाएं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो आप लिगेंड पोजिशन आइसो, सॉरी कोऑर्डिनेशन पोजिशन आइसोमेरिज में जो आपका कोऑर्डिनेशन स्पेस, इसमें पोजिशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसमें क्या हो रही है, पोजिशन चेंज हो रही है। तो आप लिख सकते हो Cl फोर CO OH OH CO NH3 का, ठीक है भाई, ये लो, ये आपकी क्या हो गई, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज में, क्या हो गई, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज में हो गई है। ठीक है, कर लोगे, एक और करोगे? चलो भाई एक और कर लो, एक और करो, दूसरा एग्जांपल लिखो, एन एस थ्री फोर सी ओ एक तरफ आपका एन एस टू, एक तरफ आपका एन एस टू, दूसरी तरफ ओ टू, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है एक एन एस थ्री इधर चला जाए, एक सी एल इधर आ जाए, तो क्या होगा बोलो, ऐसा होगा, तो अगर ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा आपका, इधर एन एस थ्री कितने बजेंगे, तीन, एक क्या जाएगा सी एल, इधर क्या हो जाएगा, इधर एन एस थ्री हो जाएंगे तीन, एक क्या हो जाएगा सी एल, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज में है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज में है, उतार लो। लास्ट पढ़ते हैं अपन पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज में, लास्ट कौन सी पढ़ोगे, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज में, बहुलकीकरण बहुलकीकरण समावयवता। देखो इसमें क्या होता है, एक एम्पेरिकल फॉर्मूला देते हैं और एक क्या लेते हैं, मॉलिकुलर फॉर्मूला अपन लेते हैं, ध्यान रखना। तो जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला तो डिफरेंट डिफरेंट हो, बट एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, तो उन्हें क्या कहोगे आप, उन्हें क्या कहोगे आप, क्या कहोगे, बिल्कुल सही जवाब लिखो। इसके अंतर्गत मूलानुपाति सूत्र तो समान होते हैं लेकिन अणुसूत्र भिन्न होते हैं। देखो यह समावयवता वे यौगिक दर्शाते हैं जिनके मूलानुपाति सूत्र, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाति सूत्र तो समान होते हैं लेकिन जिनके अणुसूत्र, मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जिनके अणुसूत्र तो भिन्न हो लेकिन मूलानुपाति सूत्र क्या हो, समान हो, क्या कहलाते हैं आपके, बहुलकीकरण समावयवी कहलाते हैं। आगे लिखना, इस समावयवता में समावयवी का सूत्र, समावयवी का सूत्र मूलानुपाति सूत्र का सरल गुणक होता है, समावयवी का सूत्र मूलानुपाति सूत्र का सरल गुणक होता है। फॉर एग्जाम्पल लिखना, ये दो कॉम्प्लेक्स आपके पास गिवन है, अलग अलग दोनों कॉम्प्लेक्स, ऐसा मत मान लेना कि कॉम्प्लेक्स ही देना है, कॉम्प्लेक्स ही देना है,
ये लो भाई, ये दो कॉम्प्लेक्स हैं आपके पास, बीच में मैंने कोमा लगाया, आराम से ध्यान रखना। हाँ, ये आपका एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसमें धन आयनी कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स ही धन आयनी, कॉम्प्लेक्स ही है ऋण आयन है। तो अब अपने को इसके मॉलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला चेक करना है, ठीक है। क्या करना है इनके, मॉलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला चेक करना है, ठीक है। चलो देखो, इसका मूलानुपातिक सूत्र देखते हैं, बाद में देख लेंगे। चलो पहले देखो प्लेटिनम, देखो इस वाले कॉम्प्लेक्स में कितना है, प्लेटिनम एक है, क्लोरीन कितने हैं दो हैं, अमोनिया कितने हैं दो हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, मूलानुपातिक सूत्र, क्या हो गया इसका मूलानुपातिक सूत्र, एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है भाई, गुड। और देखो इधर आ जाओ, इधर इस वाले कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, इधर दोनों में पीटी कितने हैं दो हैं, क्लोरीन कितने हैं चार हैं, अमोनिया कितने हैं सर चार हैं, काटो दोनों को, इनका सरल अनुपात कितना आएगा, सरल अनुपात कितना आएगा, एक दो दो, पी टी सी एल एन एस थ्री, देखो ध्यान से देखो यही आया क्या। तो आप ये जो आपका आया है ये संकुल है, इसका क्या सरल गुणक है, क्या इसका क्या है सरल गुणक होता है, ये तो लिख सकते हो यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये रहा आपका, दोनों के एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है सेम है, क्या है सेम है, और दोनों के मॉलिकुलर फॉर्मूला चेक करो, मॉलिकुलर फॉर्मूला अणुसूत्र चेक कीजिएगा, क्या आएंगे डिफरेंट है क्या, यहाँ पे दो पीटी चार क्लोरीन चार अमोनिया है, यहाँ पे एक पीटी दो क्लोरीन दो अमोनिया है, तो दोनों के मॉलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट हैं और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है सेम है, तो इन्हें क्या कहोगे आप, इन्हें क्या कहोगे पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज़म शो करेंगे, ठीक है। कर लोगे, कर लोगे क्या, एक एग्जांपल वो लिखोगे, चलो लिख लो एक एग्जांपल वो लिख लो, एक एग्जांपल नंबर दो लिख लो, सी ओ ठीक है, ठीक भाई ये है, चेक कर लो एम्पिरिकल फॉर्मूला, चेक करो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखो तीन और तीन अलग अलग हैं, दोनों के डिफरेंट हैं, बाद में लिख देंगे। चलो कोबाल्ट चेक करो कितना है, एक है, ठीक है। एनोटो चेक करो कितने हैं, तीन हैं। एनएसए चेक करो कितने हैं, तीन हैं। यहाँ आ जाओ, कोबाल्ट कितने हैं दो, एनोटो कितने छः, एन एस थ्री कितने छः, तो आप इनका एक सरल अनुपात निकालोगे 1:3:3, क्या कह सकते हो, जो मूलानुपातिक सूत्र है वो तो समान है परंतु जो अणु सूत्र हैं वो क्या हैं भिन्न भिन्न हैं। ये आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ख़त्म होती है, अब पढ़ेंगे अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में।
इसकी रेशमी क्या होती है, जिनके अणुसूत्र तो समान हो लेकिन जो एटम्स हैं उनकी 3D में जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का, 3D में अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट हो। तो आप लिखोगे जिनके स्ट्रक्चरल फॉर, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला समान हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी समान हो बट एटम्स का 3D में अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो। ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा बट 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस क्या होगा, डिफरेंट होगा। 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस इज डिफरेंट, कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो दूसरी आप हेडिंग डालने जा रहे हो, त्रिविम समावयवता। क्या? हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, त्रिविम समावयवता, स्टीरियो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दूर दूर हो गया, कर लेना पास पास, थोड़ा दबा लेना इनको, कंप्रेस कर लेना। ठीक है, क्या होती है लिखो, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र तो समान हो, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र तो समान हो लेकिन त्रिविमीय आकाश में लिगेंडों की व्यवस्था अलग अलग हो, लेकिन त्रिविमीय आकाश में लिगेंडों की व्यवस्था क्या हो, अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं आपके, त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। तथा इस परिघटना को त्रिविम समावयवता कहते हैं, इस परिघटना को त्रिविम समावयवता कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, प्रकाशिक व ज्यामितीय, ठीक है। ध्यान रखना, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं अपन, ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पे पढ़ते हैं, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब आपको कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए, समन्वय संख्या आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उसका अध्ययन कर सकते हो। कि समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों का अध्ययन कर रहे हो, समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों का आप अध्ययन कर रहे हो, तो इस आइसोमेरिज्म के स्टडी के लिए आपको मस्ट रिक्वायरमेंट किसकी है, कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, आप लिखो, इसका अध्ययन समन्वय संख्या के आधार पर किया जाता है। लिखने जा रहे हो आप, क्या बोलो, क्या लिखने जा रहे हो, हेडिंग डाल दो ज्यामिति समावयवता, क्या डाल दोगे, ज्यामिति समावयवता। ठीक है, और इसमें पहला लिखोगे आप, हेडिंग डाल दो समन्वय संख्या चार वाले यौगिक। अब मुझे बताओ, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो उनकी दो ज्यामिति संभव है, या तो चतुष्फल की है या वर्ग समतलीय। लिख लो, समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों की दो ज्यामितियां संभव है, चतुष्फल की है ज्यामिति, दूसरी कौन सी आएगी, वर्ग समतलीय। ठीक है भाई, चतुष्फलक ज्यामिति और वर्ग समतलीय ज्यामिति, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री।
अब ध्यान रखना, जो ज्योमेट्रिकल आइसोसेलेस होती है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करती है, ये तो ओनली लिख लेना नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ये क्या करता है शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है भाई। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दोनों शो कर सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दोनों शो कर सकते हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो भी होंगे वो ओनली कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ओनली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो शो करेंगे, वो आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ध्यान रखना टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करेंगे, ओनली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही क्या करेंगे आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेंगे। समझ में आया ऐसा क्यों, अभी एक्सप्लेन करेंगे एक एक चीज़ को। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपके पास क्या होना ज़रूरी है, 90 डिग्री या 180 डिग्री का एंगल होना ज़रूरी है, सिस ट्रांस तभी तो बन सकते हैं, ठीक है। तो सिस ट्रांस टेट्राहेड्रल में नहीं बन सकते, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशन है, अगर कंपाउंड में मॉलिक्यूलर प्लेन या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री सममिति तल एब्सेंट है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और उसकी फोटो बन जाएगी, और जो फोटो बनेगी मिरर इमेज बनेगा।